मोस्ट वेलकम इन स्मार्ट ग्लोब। माई सेल्फ शोभा सिंह, योर इंग्लिश टीचर। हमने पहले टेंस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद टेंस का ओवरऑल हमने एक लुक देखा था, टेंस आखिर होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, और उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टोटल एक्सप्लेनेशन समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस वाइज जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स वाले, वो सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से रूल को हम फॉलो करते हैं उसको हमने देखा था। साथ में हमने एक टेस्ट भी दिया था आपका, टेस्ट पेपर दिया था, और उसकी मैं एक लिंक भेज दूँगी आपको, फिर से आप उसको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस एक छोटा सा हम लाइक रिकॉल कर लेते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या, टेंस को एक तो हम टाइम से लेंगे और एक हम उसको वर्क से लेंगे, ठीक है ना। टेंस में दो चीज़ें आती हैं कि टेंस को जो हम दो शब्दों से समझ सकते हैं, एक तो काम से और दूसरा हम समय से समझ सकते हैं। सो टाइम से जो है कितने तरह के टेंस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टाइम, पास्ट जो कि काम हो चुका है, जो मतलब जो समय निकल चुका है, बीत चुका है, वो पास्ट वाली बात है ना आती है, और प्रेजेंट जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, देन फ्यूचर जो कि आने वाला समय है उसके लिए, मतलब प्रेजेंट मीन्स कि जो नाउ अभी जो है हमारा, टू कम जो हमारा समय आने वाला उसके लिए, और ये डन जो हो चुका वो पास्ट। सो ये तो हमारा टाइम के हिसाब से हमने टेंस को समझा, टाइम के हिसाब से समझा टेंस को। अब हम वर्क के हिसाब से समझेंगे कि वर्क के हिसाब से हमारा टेंस जो है वो कितने तरह का है, ठीक है, ये हम समझते हैं। अब उसमें है एक आता है इनडेफिनिट, माने कोई काम जो हमारा है अनिश्चित है, संपूर्ण नहीं हुआ है या वो नहीं चल रहा, बस अनिश्चितता लिए हुए हैं, सो वो होगा इनडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूस, सो कंटिन्यूस टेंस जो है, जो कि मतलब हमारा चल रहा है, काम हो रहा है, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, है ना, ये जो है कंटिन्यूस में आ जाएगा। परफेक्ट अकॉर्डिंग टू नेम, परफेक्ट मीन्स कि जो चीज़ कंप्लीट हो गई है, जो पूर्ण हो गई है, जो डन हो गई है, दैट इज़ परफेक्ट। अब लास्ट वन जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तो नाम से बहुत अजीब सा लग रहा है कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, सो हम इसे भी पढ़ेंगे। ये चौथा टाइप है, ज़रूरत ही नहीं थी इस टाइप को देने की, बिना बात के ये दे दिया इन्होंने मिंगल करने को, कोई बात नहीं, हम उसको भी समझ लेंगे। फिलहाल हम जो है इस बार हमने इंडेफिनिट जो समझा दिया था, मेरे भाई उसके लिंक भेज दूँगी, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस। पर क्या ये प्रेजेंट का ही टाइप है, ये चारों जो हैं वो क्या प्रेजेंट के ही हैं? नहीं, केवल प्रेजेंट के नहीं हैं, ये जो हैं पास्ट के भी टाइप्स हैं, ये चारों जो हैं पास्ट के भी हैं, ये चारों जो हैं वो फ्यूचर के भी हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट को अगर कहते पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इस तरह से ये जो हैं तीनों के ही चार टाइप्स होते हैं। अब हम आज लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में कैसे आएगा कि ये हम ये जो टेंस जो सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं, या जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, या जो सेंटेंस हम सुन रहे हैं, वो कौन से टेंस का है ना। सो इट्स वेरी सिंपल कि जब किसी वाक्य या किसी सेंटेंस के एंड में रहे हैं आता है, तो वह सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। कि माने मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, हम हंस रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं, तो ये जितना भी लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, आ रहा है, सो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम पढ़ेंगे है, जो मैंने पहले बार भी बताया था कि जो हम पढ़ेंगे हर टेंस को सेंटेंस वाइज समझेंगे। कि जैसे पिछली बार मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा रूल्स फॉलो होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, नेगेटिव में कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव में कौन सा होता है, और क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन सेंटेंस में कौन सा रूल फॉलो होता है, कौन सा फॉर्मूला हम फिट करते हैं, उस फॉर्मूले को हम समझेंगे। बस एक मेन बात हम ध्यान रखेंगे कि
चाहे हम अफर्मेटिव करें, चाहे हम नेगेटिव करें, चाहे हम इंटरोगेटिव करें, चाहे हम क्वेश्चन वर्ड वाला करें कंटिन्यूस टेंस के, इसमें दो चीज़, एक चीज़ जो वर्ब है हमारी, है ना, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो जो है इज, एम और आर आएगी. क्या आएगी? इज, एम, आर. ठीक है, इनमें से कोई एक आना है. अब कौन सा आएगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ. हमने पहले भी मेरा एक वीडियो था, इसके ऊपर भी मैं आपको भेज दूंगी. अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा, ये इज एम आर आएगा. और कोई भी जो मेन वर्ब जो हम लगाएंगे, है ना, हमारी जो मेन वर्ब है जो मेन वर्ब हमारा जो है वो उसके साथ जो है क्या होगा, आई एन जी लगेगा. मतलब कि हमने बोला कि मैं खेल रहा हूँ, तो प्ले जो होगा तो प्ले में हम क्या करेंगे, आई एन जी. सो क्या हो जाएगा, प्लेइंग. ठीक है, और मान लो कि दौड़ना है, है ना, रन है, या कूदना है तो रनिंग, जंप करना है तो जंपिंग, है ना, खाना बनाना है तो कुकिंग. तो इस तरह से आई एन जी जुड़ जाएगा. सो ये तो चीज़ें कोई भी सेंटेंस होगा उसमें फॉलो होंगी. अब हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या, अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस हमारा उसमें कौन सा रूल्स फॉर्मूला फिट होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा. जैसे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, है ना, सिंपल सा है. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं लिख रही हूँ, है ना, क्या सेंटेंस है, मैं लिख रही हूँ, सिंपल सेंटेंस है, मैं लिख रही हूँ. तो इस सेंटेंस में जो हमारा फॉर्मूला जो हमारा इसका सिंपल सेंटेंस का वो क्या है, वो है सिंपली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लग जाएगा, है ना. सिंपल सा है, क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप हमारा यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि हमारा सिंपल सेंटेंस है. अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं, तो क्या आएगा, आई. आई के संग क्या लगता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हम कैसे पहचानेंगे किसके संग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है. तो सिंपली जो इज होता है, इज हमेशा ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम हो, राम, श्याम, गीता, सीता, तो इनके संग हमेशा, या कोई भी सिंगुलर कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, लॉयन लिखते हैं, डॉग लिखते हैं, तब भी हम इज ही यूज़ करेंगे. एम जो है ऑलवेज आई के संग एम ही जाएगा, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के संग हमेशा एम जाएगा. अब आर, सो आर जो है वो लगता है आपका यू के संग, वी के संग और दे के संग, या कोई भी हमने प्लूरल बात बोली, कोई भी प्लूरल बोली, लॉइंस, गर्ल्स, बॉयज, वुमेन, मैन, रेड्स या एलिफेंट्स, तो इस तरह के जो भी हमने बहुत सारे लोगों को लिए, जब हम प्लूरल में हम जब बात करते हैं, दैट टाइम वी यूज आर. ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, सो हियर आई, सो आई के संग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, आई के संग आ जाएगा आपका एम. ठीक है ना, क्या आ गया, एम आ गया. प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट. अब इधर क्या बोला था मैंने कि इसमें आई एन जी जुड़ जाएगा, सो आई एन जी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइटिंग. यहाँ पे आप देखिए, चूंकि मैंने पहले भी इसका बनाया था वीडियो, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी कि जब हम आई एन जी ऐड करते हैं तो हमारा जो जो वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, वो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. कहीं पे डबल लाइक वर्ड हो जाता है, सपोज इट कंसोनेंट डबल हो जाता है. क्यों होता है, क्या होता है, अगर मान लो कंसोनेंट के बिफोर बॉबल है, या बॉबल के आफ्टर कंसोनेंट, या डबल कंसोनेंट, तो क्या हम उसमें क्या करेंगे, तो उसका अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो हम आप उसको लिंक भेज देंगे, तो आप उसे समझ लेंगे. यहाँ पे राइट की स्पेलिंग है, लेकिन जब हम आई एन जी ऐड करते हैं, दैट टाइम ई जो है वो हट जाता है, राइटिंग हो जाता है. तो आई एम राइटिंग
बस ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया। अगर हम देते कि आई एम राइटिंग इन कॉपी और आई एम राइटिंग अ लेटर, दैट टाइम यहाँ पे मैं पत्र लिख रही हूँ, तो यहाँ पे लेटर आ जाता है ना। सो सिंपल हमारा ये रूल, जो हमारा ये फॉर्मूला है वो फिट हो गया कि सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम और राइटिंग हो जाएगा क्रिया के संग। एक और सेंटेंस है, दीपक बाजार जाता है, ठीक है ना। सो दीपक क्या हो गया, यहाँ पे बॉय है, सो यहाँ पे दीपक आ जाएगा। दीपक हेल्पिंग वर्ब, दीपक बॉय है, ही है, सो इसके संग क्या लगेगा, बॉय है, ही है, तो इसके संग क्या आएगा, इज आएगा। दीपक इज, अब क्या है, जाता है, क्रिया क्या हो रही है ना, क्रिया हो रही है जाता है, तो दीपक इज गोइंग, गो है जाने का, है ना, जाने का जाता है, तो जाने का क्या है, गो होता है, और आई एन जी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोइंग, हमेशा गोइंग के संग आएगा, टू, गोइंग टू। अब यह इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई है, यस है, अब बाजार जाता है, सो ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाने का ऑब्जेक्ट है इसका, बाजार, गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस में, अब पहला हमने सेंटेंस जैसे हमने अफर्मेटिव बनाया, दीपक बाजार जाता है, हम यहाँ लिख देंगे दीपक बाजार नहीं जाता है, ठीक है, दीपक बाजार नहीं जाता, ठीक है ना, नेगेटिव हो गया हमारा कि दीपक बाजार नहीं जाता है। अब इसका रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है, इसमें सिंपली सब्जेक्ट तो आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा नॉट, और कोई खास चेंजेज इसमें नहीं है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें आ जाएगा नॉट, हम यहीं पे इसको फिट कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, और बाकी हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, दीपक, दीपक तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीपक, सब्जेक्ट हमारा कौन है, दीपक है हमारा सब्जेक्ट, दीपक। अब है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दीपक ही है, बॉय है, यहाँ पे सिंगुलर के संग आएगा इज, दीपक इज, क्या इन्होंने बोला कि दीपक इज, अब नेगेटिव है नहीं जाता है, सो दीपक इज नॉट, दीपक इज नॉट, फिर क्या है, मेन वर्ब क्या है, दीपक इज नॉट, सॉरी मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना, क्रिया क्या कर रही है, क्रिया जो हमारी मेन वर्ब जो है मुख्य क्रिया क्या हो रही है, जाना, दीपक इज नॉट गोइंग, गो, गो आएगा प्लस आई एन जी, सो गोइंग, दीपक इज नॉट गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, सो गोइंग, दीपक इज नॉट गोइंग मार्केट, है ना, फुल स्टॉप। सो ये हमारा बन गया, दीपक इज नॉट गोइंग मार्केट। हम दूसरा सेंटेंस करते हैं, ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, तुम मधु को नहीं पीटते हो, ठीक है ना, तुम मधु को नहीं पीटते हो, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, है ना, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ आ जाएगा यू, हेल्पिंग वर्ब क्या, यू के संग क्या आती है, हमने पहले भी बताया था, यू के संग हमारा आता है आर, ठीक है, क्या आता है, आर, आर जो है यू वी दे और जो भी प्लूरल है उनके संग आता है, ठीक है, सो यू आर, उसके साथ में हम सब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नोट, यू आर नोट, क्रिया क्या है, पीटना है ना, पीटना है, यू आर नोट, पीटने को क्या बोलते हैं, मारने को क्या बोलते हैं, बीट करना, सो यू आर नोट बीट, बीट और आई एन जी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटिंग, ऑब्जेक्ट में क्या, किसके लिए बोल रहे हैं ये, मधु के लिए बोल रहे हैं, यू आर नॉट बीटिंग मधु, यू आर नॉट बीटिंग मधु। तो ये हमारा सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव की, है ना, सिंपल इंटरोगेटिव जो है हम उसको करेंगे। सो इंटरोगेटिव में क्या होता है, किसके लिए जो है, पेन भी मेरा लगता है कि पूरा लिख लिख के बोर्ड पे ख़त्म हो गया है, नया सेट लाना पड़ेगा, लॉकडाउन है, मार्केट बंद,
सब कुछ बंद, सब तरह की परेशानी शुरू है। ओके, सो इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव का सिंपली कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम आस्किंग करते हैं, जब हम इंटरोगेशन करते हैं, जैसे कि मैंने पूछा कि अब लास्ट में रहा है, रही है तो कंटिन्यूस में चलता ही है, इसलिए वो तो आएगा ही। अगर मैंने पूछा कि क्या मोना सोमवार को आ रही है, क्या मोना सोमवार को आ रही है, या क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो ये जो क्या करके सिंपली आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, आगे आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इसमें की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका मेन वर्ब, ठीक है, प्लस आईएनजी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और जो भी है वो लग जाएगा, प्लस से जो भी, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस क्या बोला था आपको समझाने के लिए, कि क्या मोना, ये हम लिखते हैं कि क्या मोना, यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, क्या मोना, क्या मोना सोमवार को, यस सोमवार को आ रही है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, ये हमने क्वेश्चन पुटअप किया कि क्या मोना सोमवार को आ रही है ना। आपके यहाँ भी कोई ना कोई आता ही रहता हो किसी ना किसी दिन। अब यहाँ पे मोना की बात कर रहे हैं, टाइगर की मोना, यस। सो क्या, अब हमको यहाँ पे क्या आगे आएगा हेल्पिंग वर्ब में, तो हमको देखना पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मोना, माने शी है, शी के संग क्या आएगा, इज आएगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, देखें, यस ही शी इट या कोई नाम होता है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मोना है तो यहाँ आ जाएगा इज, चूँकि हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, कैपिटल में आएगा हमारा आई, इज मोना, मोना इज मोना। अब आगे हमने क्या बोला है कि सोमवार को आ रही है ना, सो इज आगे आ गया तो हमने यहाँ मोना, अब क्या सोमवार को आ रही है, तो क्रिया क्या है यहाँ पे, आना, है ना, इज मोना। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब का, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारा, कम, कम है, लेकिन क्या हो गया कि अब उसमें आईएनजी जोड़ना ज़रूरी है, आईएनजी जुड़ जाएगा तो इसमें आ जाएगा कमिंग, है ना, ये ई हट जाएगा इसका, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं एक लिंक भेज दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा कि आईएनजी जोड़ते समय क्या क्या हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो इज मोना कमिंग ऑन, क्या है, क्या बोला था, सोमवार को, ऑन मंडे, ठीक है, इज मोना कमिंग ऑन मंडे, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। दूसरा एक सेंटेंस फिर से लेते हैं हम, यस, दूसरा सेंटेंस, क्या हम खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। सो क्या हम, यहाँ पे क्या है, हम है, वन मीन्स वी है, सो वी के संग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग वी के संग हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, सो वी आर आना चाहिए, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, तो आर वी, है ना, अब क्या कर रहे हैं, बना, खाना बनाना, क्रिया क्या है हमारी, कुकिंग, बना रहे हैं, आर बी कुकिंग, कुक है, कुक में आईएनजी जुड़ जाएगा, कुकिंग हो जाएगा, आर बी कुकिंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, आर बी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो गया, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब है क्वेश्चन वर्ड वाले, है ना, क्वेश्चन वर्ड वाले जो हैं, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस जो आते हैं उसमें होता है डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन से होते हैं, वाई है, है ना, वैन है, वेयर है, एक हाउ भी इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड्स है ना ये, व्हाट है, है ना, और भी बहुत सारे हैं, सो ऑन,
सो अब हमको जो है इन वर्ड्स में क्या कौन सा मतलब फार्मूला फिट करेंगे, चलिए हम देखते हैं। कुछ नहीं करना, डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले में जो है हमको ये जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स है इसमें क्या करना है, डब्ल्यू एच बस जुड़ जाएगा, बाकी हमारा इंटरोगेटिव वाला फार्मूला पूरा वही का वही रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड्स मैंने बता दी, ये वाले वर्ड्स जो हैं डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स होते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस बोला कि सेंटेंस है क्या मेरे नहीं मेरे पिताजी किताब क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये मैं बना लेती हूँ कि मेरे पिताजी किताब क्यों लिख रहे हैं। यस, मेरे पिताजी किताब क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। सो अब यहाँ पे एक वर्ड क्या आया है, हमने क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों, जो वर्ड है ना क्वेश्चन वर्ड वो क्या आ गया, क्यों। सो क्यों को क्या बोलते हैं, व्हाई, है ना, सबसे पहले लग जाएगा व्हाई। व्हाई मार्केट खुलेगा 30 तक, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत मुश्किल है, मार्कर ख़त्म हो चुका है, इंक सब सूख गई है। व्हाई नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से आ गए, तो क्या है मेरे पिताजी, हमको देखना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं, हमको सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट क्या है। सो मेरे पिताजी, सो मेरे पिताजी मीन्स ही हैं, सो आएगा हमारा इज। व्हाई इज माय फादर, सब्जेक्ट क्या इसमें आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, है ना। सो सब्जेक्ट हमारे मेरे फादर हैं, सो माई, व्हाई इज माई फादर, ठीक है, वाई इज माई फादर राइटिंग, हो गया ना लिखने का, राइट है, राइट का हमने पहले भी करवाया था, राइटिंग हो जाता है आई एन जी डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग अ बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सो वाई इज माई फादर, वाई इज माई फादर राइटिंग अ बुक, है ना, कोई डब्ल्यू एच वाला वर्ड आ गया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्या आना है, तो वो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, इज आ गया, फिर क्या था प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या था, मेरे पिताजी था सब्जेक्ट, सो माई फादर, फिर था मेन वर्ब प्लस आई एन जी, तो मेन वर्ब क्या था लिखना, सो लिख रहे हैं राइट प्लस आई एन जी राइटिंग, और क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो गया अ बुक, बुक लिख रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बुक, और क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं। द नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि माता जी, है ना, माता जी रात के खाने में क्या बना रही हैं। ठीक है, क्या है, माता जी रात के खाने में क्या बना रही हैं, मैं तो आज छोले पूड़ी बनाने वाली हूँ रात में, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए माता जी क्या बना रही हैं हम जे देख लें। सो माता जी रात में के खाने में क्या बना रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या यहाँ भी लगा है, हमने जब इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल किया था उस टाइम भी क्या लगा था, बट उसमें क्या फ्रंट में लगा था, स्टार्टिंग में क्या माता जी रात के खाने में ऐसे करके था, बट यहाँ पे हमने यहाँ क्या लगा दी, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाला क्या आ जाएगा, व्हाट, क्या आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा। ठीक है, सो माता जी रात के खाने में क्या बना रही हैं, तो हम इसको फिट करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड इसमें डब्ल्यू एच वाला वर्ड क्या आएगा, व्हाट आएगा, चल जाना मेरे स्केच पेन मेरे मार्कर चल जाना इस टाइम, तो ये तो मैं खाना बनाने ही पहुँचाऊँगी डिनर का अभी से। यस, थोड़ा थोड़ा चल गया, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब है क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो कौन है माता जी है तो इज आ जाएगा, व्हाट इज, यस प्लीज़ 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 मार्कर जी चल जाइए, व्हाट इज, ठीक है ना, अब है सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज मदर, या व्हाट इज मदर मेन वर्ब क्या है, क्या हो रहा है, बनाना किसको, खाने को, तो खाने को बनाने को बोलते कुक, सो व्हाट इज मदर कुकिंग, आई एन जी जुड़ जाएगा मेन वर्ब में, कुकिंग, मैं बोल रही हूँ ना स्टूडेंट समझ जाना, लॉकडाउन का भारी असर पड़ रहा है हमारे ऊपर, व्हाट इज मदर कुकिंग किस में, रात के खाने में, कुकिंग इन द, कुकिंग इन द डिनर, ठीक है ना, व्हाट इज मदर कुकिंग इन द डिनर,
चल नहीं रहा है, डिनर डी आई डबल एन ई आर है ना, इन द डिनर क्वेश्चन मार्क। देखो कितने जल्दी क्वेश्चन मार्क लग गया है, इसे बोल रहा है क्या ब्रो कितना लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया डब्ल्यू एच में कि क्या बना रही है। तो यहाँ पे आ गया व्हाट इज, मतलब इज आएगा क्योंकि माता जी हैं, शी हैं, तो व्हाट इज माता जी, तो मदर क्या बना रही है, कुकिंग कर रही हैं, सो कुकिंग इन द डिनर, डिनर में माता जी क्या बना रही हैं, जो भी बनाए हमें से मतलब नहीं, आज मेरे घर में छोले पूड़ी बनने वाली है तो आप लोग आ जाइए।